महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन में शामिल तीनों दल आपस में भिड़ते रहते हैं और अब एक बार फिर अघाड़ी सरकार में जारी मतभेद खुलकर सामने आ गई है। हालांकि इस बार बीजेपी ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को झटका देते हुए महाराष्ट्र में बड़ा खेल कर दिया है। बीजेपी ने इस बार अकेले ही तीनों दलों को पटकनी दे दी है। दरअसल महाराष्ट्र के सतारा में जिला कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में अघाड़ी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, हार की वजह से एनसीपी विधायक शशिकांत शिंदे के समर्थकों ने एनसीपी दफ्तर के बाहर जमकर पत्थरबाजी की। दरअसल शिंदे बैंक के निदेशक के लिए चुनावी मैदान में थे लेकिन चुनाव हार गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिंदे एक वोट से चुनाव हारे और उनको हराने वाले एनसीपी के ही बागी नेता दयान देव रांजने हैं। बागी के हाथों मिली एनसीपी विधायक की करारी हार के बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और कार्यकर्ताओं ने एनसीपी दफ्तर पर जमकर पत्थरबाजी की। इस चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। बीजेपी ने एनसीपी के बागी रांजने को समर्थन दिया था और रांजने चुनाव में जीत गए। बीजेपी की वजह से जीतने के बाद रांजने ने बीजेपी विधायक शिवेंद्र राजे भोसले का धन्यवाद दिया है। वहीं चुनाव में शिवसेना के नेता और गृह राज्य मंत्री शंभू राजे देसाई को भी हार झेलनी पड़ी है। देसाई को पूर्व मंत्री विक्रम सिंह पाटनकर के बेटे सत्यजीत पाटनकर ने मात दी है। आपको बता दें कि सहकारी बैंकों के चुनाव को महाराष्ट्र में काफी अहम माना जाता है क्योंकि राज्य में सहकारी शुगर मिलों की फंडिंग में इनकी बड़ी भूमिका होती है। उधर एनसीपी कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी ऑफिस पर हमले के बाद शिंदे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से माफी भी मांगी है। शिंदे अजीत पवार के भी करीबी माने जाते हैं। इसके साथ ही शिंदे ने हार के लिए साजिश की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक वोट से हार का मतलब मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी। वहीं एनसीपी और शिवसेना के नेताओं की हार का असर राज्य की अघाड़ी गठबंधन पर भी पड़ सकता है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि विपक्ष में होने के बावजूद बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए सत्ताधारी गठबंधन को मात दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।